क्या आप भी किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले अपने बालों को वॉश करते हैं, वो भी नाइट में? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? गाइस, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब नाइट में हमें किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है तो हम अपने बालों को सोचते हैं कि नाइट में ही वॉश करेंगे, जाने से एक घंटा पहले वॉश करेंगे। तो ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप नाइट में अपने बालों को वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है और कितने हद तक ये करना सही है और कितना गलत है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपकी प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ मैं आपको इतने यूजफुल से टिप्स भी बताऊंगी, आपकी हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है तो गाइस वो होने वाली है बिल्कुल सॉल्व। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि नाइट में बालों को वॉश करने से क्या होता है। तो गाइज, अगर आप रात में या शाम को अपने बाल धोते हैं तो धुले हुए बाल बिखरे रहते हैं, जिस वजह से वो आपस में उलझ जाते हैं और उलझने की वजह से जब हम कॉम करते हैं अपने बालों पे तो वो बहुत ज़्यादा टूट कर निकलते हैं। तो रात में अगर आप बाल धोएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको हेयर फॉल की, कि जब हम अपने बालों को रात में वॉश करेंगे तो वो मॉइस्चर बना रहता है, ठीक तरह से वो सूख नहीं पाते, जिससे उनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, तो वो हेयर फॉल का कारण बनता है। इसलिए रात में बाल धोने को हमेशा अवॉइड करें। रात में बाल धोने से वो अच्छी तरह से सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से सर्दी ज़ुकाम होने का ख़तरा रहता है और जल्दी जल्दी से हमको इसकी वजह से सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। इसके अलावा गीले बालों के साथ रात में सोने पर हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, जो हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप चाहती हैं कि आपके बाल हमेशा जड़ से मजबूत और स्ट्रांग रहें तो हमेशा रात में बाल धोने को आप अवॉइड कीजिए। अगर कभी रात में आपको ज़रूरत पड़ ही जाए या फिर सुबह की आपाधापी से बचने के लिए आप रात में बाल धोना चाहती हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाल धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद एक पॉनीटेल बनाकर ज़रूर सोएं। अगर आप बालों को खुला रख कर रात में सो जाती हैं तो आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, जिससे कॉम करने पर वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बालों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप पॉनीटेल बनाकर ही रात में सोएं। तो गाइस, जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो गीले बालों पे आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हथेलियों पे लेकर अपने पूरे बालों पे अप्लाई कीजिए। इससे बाल आपके सिल्की, शाइनी और स्मूथ होंगे, आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और इससे आपके बाल बाउंसी भी होंगे, तो देखने में जो घने घने लगेंगे। तो गाइस, ये वाला ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एलोवेरा, बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए। तो आप गीले बालों पे हमेशा थोड़ा सा एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई कीजिए, जिससे आपके बाल ईजिली कॉम करने पे सुलझ भी जाएंगे और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। गाइस, महीने में एक बार अपने बालों की ट्रिमिंग आप ज़रूर कीजिए। इसके लिए जब भी आप देखें कि आपके बालों में नोके होने लगी हैं, आपके स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बालों को नीचे से कट ज़रूर कीजिए। इससे आपके बाल देखने में भी अच्छे लगेंगे और आपके दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने बालों की हमेशा ट्रिमिंग करते रहिए। तो गाइस, अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका हेयर फॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो नाइट में आप अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने बालों पे हल्का हल्का सा मसाज कीजिए। आप चाहें तो कोई भी ऑयल भी ले सकते हैं और डेली ये मसाज आपको 5 मिनट का करना है। बहुत ही ईजी टिप्स है और बहुत ही यूज़फुल भी है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। इससे आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाएगा, आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, इची स्कैल्प है तो वो भी आपकी दूर होगी और इससे आपके बालों को बहुत जल्दी बढ़ने में मदद मिलेगी। देखा आपने, जब आप अगर रात को अपने बालों को वॉश करेंगी तो सबसे बड़ी वजह होती है ये हमारे हेयर फॉल की। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे हो। गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। टेक केयर, बाय बाय।